प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर देश को जो कुछ भी दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस जाति को दूंगा, इस क्षेत्र को दूंगा, इस कार्य, इस योजना का लाभ केवल इस वर्ग को मिलेगा। उन्होंने तो एक ही मंत्र दिया देश को, और मंत्र था सबका साथ सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास का यह मंत्र भारत के वैदिक मंत्र का ही एक वर्तमान रूप है, जिसमें भारतीय ऋषि कहता है सर्वे भवतु सुखिना सर्वे संतो निरामया। बहनों और भाइयों, यही तो भाव है जिसे लेकर के आज युवा मोर्चा को फिर से आगे आना है। और मुझे प्रसन्नता है युवा मोर्चा लगातार अपनी युवा ऊर्जा के बल पर, दम पर इस कार्यक्रम को, इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, लगातार कार्य कर रहा है। मैंने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान देखा युवा मोर्चा अलग अलग स्थानों पर अपनी वेदी के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से युवा चेतना को जागरूक करने के लिए निरंतर प्रयास किया, लगातार हर अभियान का हिस्सा बनता रहा। अभी हर घर तिरंगा कार्यक्रम में लखनऊ में भी मुझे युवा मोर्चा के कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था, और 13 अगस्त को जो कार्यक्रम हुआ था, कितनी बड़ी संख्या में युवा लखनऊ के अंदर, प्रदेश की राजधानी के अंदर उसमें सहभागी बने थे। लेकिन याद रखना, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को याद रखना होगा, हम ऊर्जा और प्रतिभा से भरपूर हैं, लेकिन हमें अनुशासन हमेशा बनाए रखना होगा। यही अंतर होना चाहिए आपके अनुशासन में और समाजवादी पार्टी के दुशासन में, यही अंतर देखना चाहिए। क्योंकि वहां अनुशासन नहीं है, इसलिए लोगों को वहां दुशासन दिखाई देता है। आपके अंदर जो संस्कार है, ये आपको एक अलग पहचान दिखा बना करके, आपको एक अनुशासित संगठन के रूप में, भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग के रूप में युवा मोर्चा को लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं, और इस फर्क को हमें हमेशा जनता जनार्दन के सामने, देश के सामने प्रस्तुत करना होगा।